दोस्तों आज की डेट में मैं YouTube से महीने का 60 से 70 हज़ार रुपया बहुत आसानी से कमा रहा हूँ, लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था। मैं बहुत गरीब घर से बिलोंग करता हूँ। आज से लगभग 2 से 2.5 साल पहले मेरे पास इतने भी पैसे नहीं थे कि मैं एक फ़ोन परचेज कर सकूँ। मैंने अपना पहला फ़ोन कर्ज लेकर ख़रीदा था। अगर आपको मेरे बात पे विश्वास नहीं है तो आप मेरे स्टार्टिंग के वीडियोज़ को जाकर देख सकते हैं। मेरे पास अच्छे कपड़े नहीं होते थे, मेरे पास अच्छे माइक नहीं थे, मेरे पास अच्छा बैकग्राउंड नहीं था और मेरे पास इतने रिसोर्सेस नहीं थे जितने आज के डेट में हैं। और मेरे फैमिली का कंडीशन बहुत बुरा था, कर्ज था, ठीक है, जिसको चुकता करने में मेरे पापा मेरी मम्मी बहुत परेशान थे और मैं भी बहुत परेशान था। लेकिन आज के डेट में सोशल मीडिया और एजुकेशन के दम पे मैंने अपने कंडीशन को बहुत ज़्यादा चेंज किया है और आज के डेट में भी मैं लगातार मेहनत कर रहा हूँ ताकि मैं अपनी फैमिली को और बेहतर ज़िंदगी दे सकूँ, मैं अपने जितने भी बाकी सपने हैं सबको पूरा कर सकूँ। लेकिन इसके लिए क्या सिर्फ YouTube ने ही मुझे सपोर्ट किया? तो ऐसा नहीं है। आज के डेट में बहुत सारे ऐसे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं जो एजुकेशन को गलत तरीके से प्रमोट कर रहे हैं। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि पढ़ाई करके कोई करोड़पति नहीं बन सकता। ऐसे लोगों से आप लोग दूर रहिए, बिकॉज जब तक आप पढ़ाई नहीं करेंगे, आप एजुकेशन नहीं लेंगे, आप कभी भी एक करोड़पति नहीं बन सकते। जीवन में आगे बढ़ने के लिए एजुकेट होना बहुत ज़रूरी है। आज के डेट में मैं यहाँ पे बैठा हूँ या फिर मैं आप लोग को जो कुछ भी सिखा पा रहा हूँ सिर्फ एजुकेशन के दम पे, और मैं इतना आगे बढ़ा इतना कम टाइम में सिर्फ एजुकेशन के दम पे। एजुकेशन के बदौलत ही मेरे माइंड के पास कैपेबिलिटी है किसी भी स्किल्स को जल्दी सीखने का। अंडरस्टैंडिंग पावर, डिसीजन लेने की क्षमता, ये सब कुछ एजुकेशन के दम पे ही डेवलप हो पाता है। और कुछ छपरी यूट्यूबर के बातों में पढ़ के मैक्सिमम स्टूडेंट पढ़ाई लिखाई छोड़कर और वीडियो बनाना स्टार्ट कर देते हैं। भले ही बोलना नहीं आता, इंग्लिश पढ़ने नहीं आता, हिंदी पढ़ने नहीं आता, लेकिन वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले तो आप इन छपरी यूट्यूबर के बातों में ना पड़े, ठीक है, अपने दिमाग से खुद सोचें कि जिस प्लेटफॉर्म पे हम यूट्यूबर या फिर जो भी छपरी यूट्यूबर वीडियो बना रहे हैं उस प्लेटफॉर्म को भी किसी पढ़े लिखे व्यक्ति ने ही बनाया है। आप दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति के बारे में जानते होंगे, एलन मस्क। कभी जाकर गूगल पे सर्च करके देखिए कि वो कहां तक पढ़ाई किए हुए हैं। और अभी हाल फिलहाल में हमारे देश के रत्न जो अभी नहीं रहे, रतन टाटा सर, उनका एजुकेशन आप जाकर चेक कीजिए। तो ऐसे छपरियों के बातों में पढ़ के अगर कोई स्टूडेंट पढ़ाई लिखाई छोड़कर वीडियो बनाना स्टार्ट कर दे तो ये बहुत गलत बात है। आपको पढ़ाई लिखाई करनी चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि पढ़ाई करने का आपका मेन मकसद सिर्फ गवर्नमेंट जॉब हो। गवर्नमेंट जॉब करने के लिए पढ़ाई नहीं कीजिए, ये बिल्कुल गलत है। आप अपने माइंड को डेवलप करने के लिए, अपने अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने के लिए, अपने डिसीजन मेकिंग पावर को बिल्ड करने के लिए पढ़ाई कीजिए, नए स्किल सीखिए। सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करेंगे तो जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जब मैं अपने स्कूल लाइफ में था तो मैं पढ़ाई के साथ साथ, ठीक है, पढ़ाई के साथ साथ म्यूजिक सीखता था, गेम्स में भी पार्टिसिपेट करता था, वीडियो एडिटिंग भी सीखता था, ग्राफिक डिजाइनिंग भी सीखता था, कम्युनिकेशन भी सीखता था, बहुत सारे क्रिएटर के मैं वीडियोज़ देखता था, ठीक है, वीडियोज़ देखने से अच्छे वीडियोज़, स्किल डेवलपमेंट वाले वीडियोज़, ठीक है, जिससे मेरा कम्युनिकेशन बहुत बेहतर हुआ। मैं देखने से ज़्यादा सीखता हूँ, ठीक है। आज के डेट में जो भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर प्रमोशन करते हैं, बहुत सारी विदेशी कंपनियां आपके पास स्पॉन्सर के लिए मेल करती है। अब आप सोचिए कि आप पढ़ाई नहीं करेंगे तो आप उस मेल को रिप्लाई कैसे करेंगे, आपको स्पॉन्सर कैसे मिलेगा? और सबसे बड़ी बात, जिस प्लेटफॉर्म के लिए आप वीडियो बना रहे हैं उसके लिए रिसर्च भी तो करना है, और रिसर्च करने के लिए भी आपके पास एजुकेशन का होना बहुत ज़रूरी है। देखिए, सबसे पहले तो आप एजुकेशन को गवर्नमेंट जॉब से या फिर किसी भी तरह के जॉब से जोड़ना बंद कीजिए। एजुकेशन का मतलब सिर्फ जॉब नहीं होता, एजुकेशन का मतलब है खुद को डेवलप करना, खुद को प्रिपेयर करना जीवन जीने के लिए। सिर्फ गवर्नमेंट जॉब लग जाने को ही सक्सेसफुल नहीं बोलते। आज के डेट में मेरे पास गवर्नमेंट जॉब नहीं है, मेरे पास डिग्री है, मैं कभी भी गवर्नमेंट जॉब ले सकता हूँ, लेकिन फिर भी मैं सोशल मीडिया से बहुत अच्छे खासे पैसे कमा लेता हूं, और इतना कमा लेता हूं जितना मैं कभी गवर्नमेंट जॉब से नहीं कमा पाऊंगा, ठीक है। मैंने जो है स्टार्टिंग में आपको बताया महीने का 60 से 70 हज़ार, ये मेरा सिर्फ एडसेंस की अर्निंग है। मैं स्पॉन्सर करता हूं, उससे मेरा बहुत ज़्यादा अर्निंग होता है।
और मैं आपको एक और चीज़ बता रहा हूँ, जो व्यक्ति पढ़ा लिखा होता है और जो व्यक्ति अनपढ़ होता है, दोनों के बात करने का तरीका, दोनों के नॉलेज में बहुत डिफरेंस होता है। ठीक है, आप खुद इस चीज़ को ऑब्जर्व कर सकते हैं। देखिए, मैं कोई वीडियो बनाता हूँ, किसी भी चीज़ को बहुत डिटेल से आपको समझाता हूँ। अगर आपको विश्वास नहीं है तो मेरे जितने भी वीडियोज़ हैं आप जाकर देख लीजिए। स्टार्टिंग के मेरे वीडियोज़ थोड़ा लो क्वालिटी के हो सकते हैं, लेकिन मैं खुद को जितना तेज़ी से इम्प्रूव कर रहा हूँ, आप जाकर देखेंगे तो आपको खुद अंदाज़ा लग जाएगा कि एजुकेशन कितना ज़रूरी है। ठीक है, आज के डेट में 10-10 साल से YouTube पे बहुत सारे क्रिएटर, टेक क्रिएटर वीडियो बना रहे हैं, लेकिन एक बार मेरे वीडियो का कंटेंट उनसे कंपेयर करके देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि सोनू जी की जो बातें हैं वो बिल्कुल सही है। ठीक है, तो अगर आप ऐसे छपरी क्रिएटर के बातों में पढ़ेंगे कि एजुकेशन ज़रूरी नहीं है, तो आप बर्बाद हो जाएंगे। ठीक है, आप वीडियो बनाइए, कुछ भी कीजिए, कहीं भी एक्टिव रहिए, पैसे कमाने के नए नए तरीके ट्राई कीजिए, लेकिन लर्निंग कभी नहीं बंद करना चाहिए। जिस फील्ड में आप हैं उस फील्ड से रिलेटेड हमेशा आपको रिसर्च करते रहना है, सीखते रहना है। जब मैं YouTube पे आया तो YouTube से रिलेटेड हमेशा रिसर्च करते रहा, इसी वजह से मैं अपने थंबनेल को, अपने वीडियो एडिटिंग को, अपने कम्युनिकेशन स्किल को, अपने नॉलेज को, हर चीज़ को इम्प्रूव कर पाया। और आज के डेट में मैं AI यूज करना सीख रहा हूँ, फ्यूचर टेक्नोलॉजी है। आज के डेट में मैं इससे 50 गुना 100 गुना ज़्यादा कमाऊँगा। ठीक है, तो अभी से मैं इसके लिए काम कर रहा हूँ। एक बात आप लोग ध्यान रखिए, आपके पास्ट के जो भी मेहनत हैं उसका रिजल्ट आपको प्रेजेंट में मिलता है। अभी जो आप, जो कुछ भी आपका कंडीशन है, आपने पास्ट में अगर गलत किया होगा तो आपका कंडीशन गलत होगा, अगर आपने पास्ट में मेहनत किया होगा तो अभी आपका कंडीशन सही होगा। हो सकता है कि अभी आपको उसका रिजल्ट नहीं मिला हो, अभी आप स्ट्रगल कर रहे हो, लेकिन आपको रिजल्ट मिलेगा। पेशेंस रखने की ज़रूरत है, और अभी प्रेजेंट में आप जो कुछ भी करेंगे ये आपका फ्यूचर डिसाइड करेगा। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखना है, पेशेंस रख के मेहनत करना है तो ही आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। देखिए, पढ़ाई इसलिए ज़रूरी है क्योंकि पढ़ाई आपको एबिलिटी देता है एक सही डिसीजन लेने का। ठीक है, एक गलत डिसीजन आपको खाई में गिरा सकता है, मतलब आप बहुत पीछे जा सकते हैं एक गलत डिसीजन से, और एक सही डिसीजन आपको बहुत ऊपर ले जा सकता है, आपको बहुत सक्सेसफुल बना सकता है। अभी फ़िलहाल कुछ दिन पहले मुझसे एक लड़का मिलता है जो मुझे एक गेम के बारे में बताता है, एक जुए के बारे में बताता है। ठीक है, और उसमें कुछ लोग और मुझे सजेस्ट करते हैं कि बहुत बढ़िया है, इससे तुम बहुत पैसे कमा लोगे। मैंने अपने दिमाग से ज़्यादा सोचा नहीं और उसके कहने में पढ़ के मैं उसमें पैसे लगाना स्टार्ट किया। कंडीशन कुछ ऐसा हुआ कि मैं अपना लगभग 8.5 लाख रुपया उसमें गंवा दिया। ठीक है, और ये बात मैं बहुत दुख से बोल रहा हूँ। ठीक है, मैं इतना डिप्रेशन में चल गया था, मेरा मेंटल हेल्थ, मेरा फिजिकल हेल्थ सब कुछ गड़बड़ था, पागल के जैसा मैं दिन भर सोया रहता था। ठीक है, अब बोलते समय मेरे आंख में आंसू आ गए, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, एक सही डिसीजन और एक गलत डिसीजन आपके जीवन को सही भी कर सकता है और बर्बाद भी कर सकता है। इसीलिए कभी दूसरे के सजेशन में नहीं पड़िए, आप अपने दिमाग से सोचिए कि जिंदगी में बिना मेहनत कुछ नहीं है। जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे आपको कोई बेनिफिट नहीं होने वाला, इसीलिए एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। और चाहे आप गरीब फैमिली से बिलोंग करते हो, अगर आपके अंदर मोटिवेशन है, जज्बा है कुछ करने का, तो रास्ते अपने आप बनते चले जाएंगे। मैंने एक फ़ोन से स्टार्ट किया था अपने ज़िंदगी का सफ़र, जो है वो अपने फ़ोन से शुरुआत किया था। 500 रुपये का एक छोटा सा कमरा लिया था, रूम रेंट पे, मैं अभी शहर में रहता हूँ, रूम रेंट लेकर 500 रुपया रूम रेंट था, बहुत एक छोटा सा कमरा था, और वहाँ से मैं अपना जीवन स्टार्ट किया। 350 का एक ट्राईपॉड परचेज किया था, जो फ़ोन परचेज किया था उसमें भी मैंने कर्ज लेकर परचेज किया था, और मैं उस समय टीचिंग करता था बच्चों को। उस समय मैं एक बच्चे को पढ़ाने का महीने का 1000 रुपया चार्ज करता था। ठीक है, और आज के डेट में मेरा कंडीशन ऐसा बदल गया है कि अभी के डेट में मैं एक स्टूडेंट को पढ़ाने का एक महीना 6500 रुपया चार्ज करता हूँ, मतलब 3000 से लेकर 6500 रुपया तक। बिकॉज अभी हम लोग शहर में रहते हैं और यहाँ पे जो भी बच्चे हैं सब रिच फैमिली के हैं, तो पैसे भी उतना पे कर सकते हैं। हाँ, कोई गरीब बच्चा होता है उसको मैं कम में भी पढ़ाता हूँ। तो आप सोचिए कि जब मैं अपने जीवन को स्टार्ट किया था, जब मैं अपना सफ़र स्टार्ट किया था, उस समय मैं कोचिंग कराता था, 1000 रुपया महीने का मिलता था, जिसमें मैं अपना किसी तरीके से एक महीना गुजारा करता था।
उसी में मैं कभी कभी पैसे बचाकर माइक परचेज किया। घर से एक रुपया भी मैं नहीं मांगा, ठीक है। और मेरे अंदर ऐसा जज्बा था कि मैं जवाहर नवोदय विद्यालय जिसमें मैं पढ़ाई करता था वहाँ ड्रॉप कर दिया। 11th क्लास में मैं जवाहर नवोदय विद्यालय को छोड़ दिया और वहाँ से छोड़कर शहर में आकर रहने लगा। बाहर के कॉलेज में मैं अपना एडमिशन कराया और उसके बाद मैं अपनी पढ़ाई को भी कंटिन्यू किया। और आज के डेट में मेरे पास म्यूजिक का भी डिग्री है, मैं जब चाहूँ जॉब ले सकता हूँ। थोड़ा सा मेहनत करके एग्ज़ाम को मैं क्वालिफाई कर लूँगा, बिकॉज आज के डेट में मेरे अंदर इतने पोटेंशियल है और खुद में इतना विश्वास है कि मैं किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक कर सकता हूँ, ठीक है। आज भी मैं टीचिंग करता हूँ तो इतना कैपेबिलिटी तो मैं रखा हूँ। तो ये ऐसे ही नहीं है, मैं अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए बहुत मेहनत करता हूँ। तो आप किस तरह के कंडीशन से बिलोंग करते हैं, किस तरह के माहौल में आप पले बड़े हैं, कुछ भी मैटर नहीं करता है। आप क्या चाहते हैं, वैसे ही माहौल में रहना, वैसे ही कंडीशन में जीना, या फिर अपने जीवन को बदलना, ये आप पे डिपेंड करता है कि आपका आने वाला फ्यूचर कैसा होगा। और मैं पहले भी आपको बताया कि प्रेजेंट में आप जो भी मेहनत करेंगे, बिना किसी लालच, बिना किसी मोह माया के मेहनत करते रहिए, उसका रिजल्ट आपको फ्यूचर में मिलेगा। हाँ, लेकिन आपको मेहनत सही डायरेक्शन में करना है। हर गरीब घर का लड़का या लड़की जीवन में सक्सेसफुल हो सकता है अगर वह सही तरीके से मेहनत करे, गलत चीज़ों से बचे, गलत संगति से बचे। देखिए दोस्तों, मैं जो कुछ भी आपको बोलता हूँ वो मेरे लाइफ के खुद के एक्सपीरियंस के दम पे मैं बोलता हूँ, कोई भी बातें मैं हवा में नहीं करता। मैं यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत स्ट्रगल किया हूँ। और अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप आइए मेरे यहाँ आइए, मैं आपको बहुत रिस्पेक्ट करूँगा। और आप आकर यहाँ पर मेरे बारे में पता कर सकते हैं कि सोनू सर कैसा पढ़ाते हैं या फिर सोनू सर किस तरह की फैमिली से बिलोंग करते हैं, ठीक है। अब आप आइए यहाँ पे पता कर लीजिए, तब आपको समझ में आएगा कि मैं यहाँ तक पहुँचने के लिए कितना स्ट्रगल किया हूँ। अब बात करें कि अभी के टाइम पे AI के जो कंटेंट चल रहे हैं, क्या इसमें फ्यूचर है? क्या इस तरह के चैनल अगर हम स्टार्ट करें तो ये सेफ रहेगा? बिल्कुल सेफ रहेगा। आने वाले टाइम में आपको YouTube पे या फिर किसी भी सोशल मीडिया पे आपको AI वाले कंटेंट ही देखने को मिलेंगे। ये बात मैं आज आपको बता दे रहा हूँ और इसीलिए मैं भी AI को यूज करना सीख रहा हूँ फ्यूचर को देखकर, ठीक है। वही लोग जीवन में सक्सेसफुल होते हैं जो फ्यूचरिस्टिक सोच रखते हैं, ठीक है। और इसके लिए पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, पढ़ाई कीजिए। अभी भी मैं बहुत सारी बुक पढ़ता हूँ, इधर आप देख सकते हैं रिच डैड पुअर डैड, हाउ टू इन्फ्लुएंस पीपल एंड विन फ्रेंड्स, द साइकोलॉजी ऑफ मनी, एटॉमिक हैबिट, बहुत सारे ऐसे बुक हैं जिसको मैं पढ़ता हूँ। इससे माइंड डेवलप होता है, ठीक है। तो आपको हमेशा सीखते रहना है, एजुकेशन कभी भी व्यर्थ नहीं जाता, इसीलिए आपको लर्निंग पे फोकस करना है। अब बात करें कि यूट्यूबर बनने का पहला स्टेप क्या है। तो देखिए, मैं जब पढ़ाई करता था, मैं आपको नहीं बोलूँगा कि आप पढ़ाई छोड़कर और वीडियो बनाना स्टार्ट कर दें। आप पढ़ाई भी करें, अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई कीजिए, उसको कंटिन्यू कीजिए। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो जॉब को कंटिन्यू कीजिए। स्टार्टिंग में मैं भी दिन में 8 घंटा कोचिंग कराता था और रात में जग कर वीडियो बनाता था, फिर दिन में सोता था, ठीक है। तो अगर आप जॉब कर रहे हैं तो जॉब के साथ साथ आप YouTube के लिए, सोशल मीडिया के लिए भी टाइम निकालिए। अगर आप 8 घंटा जॉब करते हैं तो 6 घंटा तो आप YouTube को टाइम दे सकते हैं, दिन में 24 घंटा होता है। आप एक्स्ट्रा जो काम करते हैं फालतू का, सोशल मीडिया चलाना, रील देखना, YouTube शॉर्ट देखना, मूवी देखना, इसको बंद करके अपने फ्यूचर पे तो टाइम दे सकते हैं ना। मान लीजिए आप 10 घंटा ही ड्यूटी करते हैं तो भी आप YouTube को 6 घंटा टाइम आसानी से दे सकते हैं। YouTube को आप 6 घंटा देंगे, 2 घंटा में आप अपना खाना पीना, जो भी आप डेली का काम करते हैं, फ्रेश होना, ये 2 घंटा में आप कर सकते हैं। 10 घंटा ड्यूटी, 6 घंटा YouTube, 16 घंटा, 2 घंटा आपका एक्स्ट्रा काम, 18 घंटा, और बाकी 6 घंटा आराम से आप सोइए, ठीक है। अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो फालतू के जितने भी काम हैं, ठीक है, फालतू का सोशल मीडिया स्क्रॉल करना, मूवी देखना, ये सब आपको बंद करके मेहनत करना पड़ेगा, तो ही आप जीवन में सक्सेसफुल हो सकते हैं। स्टार्टिंग में भी मैंने भी ऐसे ही किया था, हर तरह के पार्टी साटी, ब्याह शादी, हर चीज़ से खुद को कट कर लिया था। सिर्फ अपने लाइफ पे मैं मेहनत कर रहा था, अपने काम पे फोकस कर रहा था, ठीक है। उस बीच ना ही मैं किसी पार्टी में गया, ना किसी भी तरह के कोई भी फंक्शन में मैंने पार्टिसिपेशन नहीं लिया, सिर्फ अपने काम पे फोकस किया, तब जाकर आज के डेट में मैं सोशल मीडिया से पैसे कमा रहा हूँ, ठीक है। और देखिए, अब यहाँ पे स्टार्टिंग में अगर हम बात करें तो स्टार्टिंग में अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, कोई भी जॉब कर रहे हैं,
ठीक है, तो आपको जॉब छोड़ना नहीं है। स्टार्टिंग में आपको वीडियो एडिटिंग सीखनी है, कंटेंट रिसर्च करना सीखना है, यूट्यूब चैनल सही तरीके से कैसे बनाते हैं ये आपको सीखना है, SEO करना सीखना है, ठीक है, और उसके बाद आप वीडियो बनाना स्टार्ट कीजिए। पहले तो आपको 10 से 15 दिन ये सब सीखने में लगाना है, मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट रिसर्च वाला आप वीडियो देखिए, ठीक है, वीडियो एडिटिंग देखकर सीखिए। हालांकि देखिए स्टार्टिंग में जो आप सीखेंगे तुरंत तो आपका वीडियो एडिटिंग बहुत एडवांस तो नहीं होगा, धीरे धीरे आपके जो स्किल्स हैं वो इम्प्रूव होते जाएंगे। जैसे जैसे आप वीडियो बनाएंगे आपके जो स्किल्स हैं वो इम्प्रूव होते जाएंगे, लेकिन स्टार्टिंग में जो आप रिसर्च करेंगे जो सीखेंगे उससे आपके पास अनुभव हो जाएगा कि आपको काम कैसे करना है। और बाकी यूट्यूबर बनने में कितना समय लगेगा तो इसका कोई फिक्स टाइम नहीं है, आप जिस प्रकार मेहनत करेंगे वैसे आपका चैनल भी ग्रो हो जाएगा। मैंने अपने चैनल को 3 मंथ के अंदर मोनेटाइज कर लिया था क्योंकि मैं डेली का 2 से 3 वीडियो अपलोड करता था, बहुत मेहनत किया तब जाकर मेरा चैनल ग्रो कर पाया। दोस्तों इस वीडियो में मैंने बहुत सारे टॉपिक पे आपको समझाया, लेकिन सबसे ज़रूरी है आप जीवन में कुछ भी करें हमेशा आपको सीखते रहना चाहिए। अलग अलग स्किल सीखने पे आप ध्यान देंगे तो ही आप जीवन में सस्टेन कर पाएंगे, और टाइम टू टाइम आपको अपने स्किल्स को इम्प्रूव करते रहना है। जैसे कि आने वाले टाइम में AI का फ्यूचर है तो उस पर मैं काम कर रहा हूँ ताकि मैं आगे चल के भी यूट्यूब पे सस्टेन कर पाऊँ। आज के डेट में बहुत सारे क्रिएटर जो पहले बहुत पॉपुलर हुआ करते थे आज के डेट में उनका नाम भी कोई नहीं जानता, ठीक है, क्योंकि टाइम के साथ उन्होंने खुद को इम्प्रूव नहीं किया, ठीक है। तो आपको हमेशा लर्निंग पे फोकस करना है, और जो चीज़ मैं इस वीडियो में आपको बताया एक बार फिर से आप इस वीडियो को देखिए, ध्यान से देखिए, समझिए और अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए मेहनत कीजिए। दोस्तों अगर आज की वीडियो आप सभी को अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ऐसा यूजफुल कंटेंट हमेशा लाता रहता हूँ। और अगर इस वीडियो से आपको थोड़ी भी मोटिवेशन मिली हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप भी अपने जीवन को बेहतर करने के लिए आज से ही मेहनत करेंगे, आज से ही प्रयास करेंगे। तो आज की इस वीडियो को हम यहीं पेंड करते हैं एंड फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।